केजरीवाल क्या क्या मफत दे रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है, और आम आदमी पार्टी तो धर्म बदला रही है, ये लोग धर्म नहीं बदला रहे। मोदी सरकार ने तो आवास योजना पास करी, हर के किसी के घर में खाते में जा रहा है पैसा, हर की हाँ उसके मकान तक बन रहे। भगवतीपुरा में आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं तख्ती सहित। मोदी तो सबको लेके चल रहा है, मुसलमान जितना गुजरात में सुरक्षित है ना इतना कहीं नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द न्यूज़पेपर में। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, लगातार सर्वे भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजकोट में हम मौजूद हैं, यहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है जो यहाँ दावे कर रहे हैं गुजरात जीतने के और भाजपा पर तमाम आरोप लगाती है, गुजरात चुनाव जीतने के इस बार वो एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं तैयारी में जुटी हुई है, तमाम रणनीति जो है अपनी अपनी पार्टियाँ बना रही हैं यहाँ पर। तो इन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समर्थन किसको दे रहे हैं ये गुजरात विधानसभा चुनाव में। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बयाला। मोहम्मद बयाला, क्या लग रहा है चुनाव है गुजरात में, आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन कर रहे हैं, इसलिए भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। क्यों है समर्थन, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विकास इतना किया है और हमारा इलाका जो है वार्ड नंबर 4, उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम बस्ती है, लेकिन पहले हमारा शहरी गलियों का सब विकास हुआ है और हो रहा है। कभी हमने कांग्रेस के शासन में ऐसा कभी विकास हमने भाजपा में देखा है, ऐसा देखा ही नहीं है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है, 20 साल से हमारी कॉरपोरेशन में चार कॉरपोरेटर आ रहे हैं। उसकी वजह वही है, उसका विकास है, विकास है। 20 साल से वही चूटा कर आ रहे हैं चारों चार भाजपा के कॉरपोरेटर। अच्छा, 27 सालों से भाजपा का राज है, आप लोगों को क्या सुख सुविधाएं देखने को मिली हैं, क्या विकास देखने को मिला है भाजपा सरकार में, जरा ये बताइए। पूरा भूगर्भ गटर का काम मिल रहा है और पानी, लाइट, रोड, रास्ता और नया नया स्कूल भी मिला है। अभी हमारे इलाके में एक बड़ा राजकोट से सबसे बड़ा स्कूल हमको मिला है, हाई स्कूल मिला है जी। पिछड़ा इलाका है, बड़ा ब्रिज मिला है भगवतीपुरा में, ऐसा ब्रिज मिला है पूरे राजकोट में, पहले कहीं ब्रिज नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों को पहले ब्रिज दिया है भाजपा वालों ने, इसीलिए हम उसको पहले से समर्थन ही करते हैं, समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार गुजरात में जीतेंगे हम, सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है? कुछ नहीं, कुछ फुव्वारा है, कुछ नहीं है, दम नहीं है, खाली फव्वारा है। कहते हैं अल्पसंख्यक जो है उनके बारे में हम बड़ा सोचते हैं, उनके बारे में भाजपा सरकार नहीं सोचती है। भाजपा के सिवा कोई और विकास का सोच ही नहीं सकता और भाजपा के सिवा विकास हो ही नहीं सकता। हम तो विकास नहीं हो, कहते मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचती भाजपा, विकास नहीं करती है, एक तरफा जो है वो करती है सिर्फ। नहीं, ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं है। हमारा इलाका में जो मुस्लिम इलाका है बहुमती वाला, बहुत अल्पसंख्यक है सब, पहले विकास उसका होता है, पहला वहाँ उस सुविधा होती है, लाइट, पानी, गटर। अभी हमारा देखो यहाँ विकास इतना हुआ है, कोई देख ही नहीं सकता। पूरा राजकोट में, पूरा पोस एरिया में विकास नहीं होता, इतना विकास यही हो रहा है। तो हम उसी को समर्थन करते हैं, उसी को समर्थन करते हैं पूरा पूरा। अच्छा, गुजरात में कितने सालों से पैदा यही हुए हैं या कहीं बाहर से हैं? नहीं, हम पैदा यही हुए हैं, अगल बगल में ही है, लेकिन यहाँ 30 साल से हम रह रहे हैं, 30 साल से हम देख रहे हैं। कहते हैं मुस्लिम जो लोग हैं खुश नहीं रहते भाजपा सरकार में, आम आदमी पार्टी कहती है कि विकास नहीं करती मुस्लिमों का। नहीं, विकास तो हो रहा है हमारा इलाका में, तो पूरा विकास कर रही है। हमारा जो यहाँ कॉम्परेटर है वो पहले से ही पाए का, और हमारा ये MLA अरविंद रयाणी था, वो भी पूरे साथ में मिलकर भी काम करता है और करवाता भी है और सब जगह पे आते है। कोई भी काम पड़े तो रात को भी उठाओ तो हमारा धारा सभी अगला वाला अरविंद भाई रयाणी थे जी, जी। वो रात को उठकर भी जवाब देते हैं और हमारा काम भी करते हैं, काम भी करते हैं। काम। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, कह रहे मुस्लिमों को लुभाएंगे हम और मुस्लिम समाज जो है हमको वोट करेगा। नहीं, वो तो उसकी जो सोच होती है उसकी, उसी के लिए जिस जैसी जैसी सोच होती है वो ऐसा समझे, बाकी हमारी सोच तो यही है भाजपा भाजपा को। तो राजकोट के जो मुस्लिम हैं भाजपा सरकार को ये वोट देने वाले हैं इस बार? हाँ, राजकोट वाले तो भाजपा के ही वोट कर रहे हैं पहले से ही। उसमें कोई शक ही नहीं है, शक ही नहीं है। अरे 68 में तो बिल्कुल शक ही नहीं है, विधानसभा 68 में तो भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी। चलिए देखिए इनसे बात करेंगे, क्या नाम है? अब्दुल भाई बुआणी। अब्दुल भाई, आपको क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? सरकार BJP की बनेगी। हाँ, भाजपा की बनेगी। भाजपा, इतना भरोसा है आप लोगों को भाजपा सरकार पर?
भाजपा सरकार पर हमको 20 साल से पूरा भरोसा है, वही विकास कर सकती है और कोई नहीं, वही विकास कर सकती है। कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो खासा नाराज रहता है भाजपा से, आपको क्या लगता है? मैं उस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी विकास कर सकती है और कोई नहीं कर सकता इधर। आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं है आपको? आम आदमी पार्टी पे और कोई किसी भी पार्टी पे हमको भरोसा नहीं है, बीजेपी पे है। कह रहे विकास करेंगे, अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे, गुजरात में आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। सबका साथ सबका विकास बीजेपी ही कर रही है और कोई नहीं कर रहा, बीजेपी कर रही है, बीजेपी ही कर रही है। नहीं, चलिए ठीक है भाई। सब क्या, आपका क्या नाम है? समीर पठान। समीर पठान जी, क्या क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? काम, पान की दुकान है। पान की दुकान करते हैं, खुश रहते हैं उसमें? हाँ, खुश। हाँ, कहते बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ गुजरात में, केजरीवाल कहते हैं। कुछ नहीं है, सब झूठ है। झूठ है तो किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? बीजेपी। भाजपा को? भाजपा से को समर्थन क्यों कर रहे हैं आखिर, रीजन बताइए। वो विकास, सब विकास कर रहे हैं ना। क्या विकास क्या हुआ? सब पूरा पूरा एरिया का, इधर का सब विकास कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कहते कोई विकास ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा? कांग्रेस पे भरोसा करते हैं थोड़ा बहुत? कांग्रेस पे भी नहीं, कुछ विकास ही नहीं किया है। कुछ विकास ही नहीं किया है, कुछ विकास नहीं किया है। हाँ, कुछ कहते दिल्ली मॉडल बड़ा अच्छा है हमारा, आएंगे तो गुजरात में भी लागू करेंगे दिल्ली मॉडल। वो सब झूठ है। हाँ, सब झूठ पूरा। तो आपको क्या, गुजरात मॉडल अच्छा लगता है, दिल्ली मॉडल अच्छा लगता है? गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल अच्छा लगता है? गुजरात मॉडल। तो जो फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री राशन की बात करते हैं, आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए? वो सब रेवड़ी है, कुछ नहीं है। रेवड़ी बांट रहे हैं? हाँ, रेवड़ी बांट रहे हैं। कहते जनता बड़ी खुश रहती है उस रेवड़ी में? नहीं, वो सब झूठ बात करते हैं सब पूरी। हाँ, कुछ देने वाले नहीं है, कुछ करने वाले भी नहीं, कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, एक कहते हैं कि भाजपा सरकार में मुस्लिम जो है सुरक्षित महसूस नहीं करते खुद को, आप सुरक्षित महसूस करते हैं भाजपा सरकार में? पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये जो बातें करते हैं भाजपा सरकार पर, आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, दंगे करवाती है भाजपा सरकार, तो ना वो सब झूठ है, झूठी झूठी बातें फैलाते हैं लोग, ये लोग सब फैलाते रहते हैं। कुछ इधर है नहीं, गुजरात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए एक पीछे भाई साहब खड़े हैं, आप थोड़ा इधर आगे आ जाइए। नाम बताइए, नाम क्या है? रहीम खान पठान। रहीम खान पठान जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव जो माहौल है, समर्थन किसको दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, क्यों भाई? वो सबके साथ न, सबके विकास में है। कोरोना काल में सब घर घर रोटी बांटी है उस। हाँ, आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांटने नहीं आई थी। हाँ, उन लोगों ने बांटा है। हाँ, उन्होंने ध्यान दिया है। हाँ, हर जगह पे वैक्सीन बांटी है। हाँ, जगह जगह आके। हाँ, बराबर। हाँ, आम आदमी पार्टी तो धर्म बदला रही है। हाँ, ये लोग धर्म नहीं बदला रहे। क्या धर्म बदला रही? बुद्ध धर्म, 10,000 लोगों का बुद्ध धर्म कर डाला। हाँ, दिल्ली के अंदर। किसने? केजरीवाल ने। हाँ, तब वहाँ कोई नहीं गया। हाँ, वो झूठ बोल रहे तो मोदी क्या झूठ है? हाँ, मोदी तो सबको लेके चल रहा है। हाँ, हमारे अरविंद भाई रियाणी है, देवेंद्र भाई कुंगसिया है, काड़ू भाई, हर कॉर्पोरेटर आके खड़ा रहता है हमारे रात दिन के अंदर। हाँ, कहते हैं केजरीवाल की किसी का विकास नहीं करती भाजपा सरकार, तो झूठ है। आदमी खरीद लो, जो बोलने वाला कितना भी बोल लेगा। हाँ, 500-500 में बेचने वाले को बुलाओ तो वो बेच लेगा। जो सच्चे आदमी उससे पूछो ना आके तुम। हाँ, जो सच्चे उसको। हाँ, तुम मफत में खरीदने जा रहे हो। हाँ, वहाँ जाके 5 आदमी खड़े कर लोगे तो वो थोड़ी चलेगा। हाँ, आप लगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं बांटा, लेकिन कहते हैं दिल्ली वासियों को हम फ्री देते हैं, बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, फ्री राशन देते हैं, बड़े खुश हैं। केजरीवाल क्या ही क्या मफत दे रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है, मफत म्युनिसिपैलिटी का पानी जो दे रहा है फिल्टर करके दे रहा है वहाँ पे। हाँ, वो फिल्टर करके दे रही है, टैक्स ले रहा है। हाँ, वापिस 200 यूनिट के ऊपर जा रहा है तो टैक्स लेके तो आधा टैक्स तो उसमें जा रहा है। वो काहे का तुमको मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है? आम आदमी 10,000 पब्लिक में से 2,000 को बांट दिया तो मुफ्त की रेवड़ी हुई क्या? हाँ, वो यहाँ सब जगह बांटने आ रहा है। हाँ, टैक्स वही ले रहा है ना, वही खा रहे नहीं जा। इसने तो मोदी सरकार ने तो आवास योजना पास करी, हर के किसी के घर के में खाते में जा रहा है पैसा। हाँ, खर्च की। हाँ हाँ, हर उसके मकान तक बन रहे भगवतीपुरा में। आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊँ तख्ती सहित। ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। हाँ, दूसरी कोई का काम नहीं है, किसी का काम नहीं। देखिए भाई साहब, बड़े काम बता रहे हैं भाजपा की सरकार के, लेकिन केजरीवाल कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती ये पार्टी। अल्पसंख्यक क्यों नहीं करती? अभी हिंदू मुसलमान सबके लिए मकान के पास हुए पैसे, बराबर सबको आवास मिल रही है। हाँ, मकान गिर रहे हो तो उसमें कायदे से रोको, उसको आवास मिल रही है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मोमेडियन तो नहीं कर रही है ना, मकान में सब्सिडी दे रही है ना, सब्सिडी दे। हाँ, सबको दे रही है वो ना, वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। हाँ, वो सब सबकी पार्टियों के फंडे हैं, एक दूसरों को कहने के लेने के।
सब जो आदमी जो सबका साथ सबका विकास जिसके साथ होता है ना वही भारतीय जनता पार्टी है। आयुष्मान कार्ड, ममता कार्ड, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने ही निकाले है ना। गुजरात में सुरक्षित महसूस करते हैं आप एक एज ए मुस्लिम? मुसलमान जितना गुजरात में सुरक्षित है ना इतना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये सब क्योंकि हर जगह पे मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाना आना कुछ भी वहाँ पे काम है, गंदगी काम है तो भारतीय जनता पार्टी को फोन करो तो पहले उठा लेती है। केजरीवाल आरोप लगा कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे मुस्लिम समाज का, ये बारे में भला नहीं सोच सकते कभी भी। तो उसने क्यों तो लोकतंत्र वहाँ 10,000 आदमी का बदला डाला? दस हजार आदमी को बुद्ध धर्म दफनाया तो उसने कौन सा लोकतंत्र बंद करा? भाजपा सरकार तो हिंदू को मुसलमान नहीं बना रही, मुसलमान को हिंदू नहीं बना रही है। वो तो सही काम कर रही है, वो क्यों नहीं बदलाने जा रही? तो वो बदलाने का कौन सा हक रखता है? कहते हैं राजतंत्र लाना चाहती है, संविधान को भी खत्म कर देगी एक दिन। ये राजतंत्र ही है ना, ये लोकशाही है। लोकशाही में हर कोई किसी की भी बात कर सकता है, कोई किसी की नीची कर सकता है। यहाँ का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारत की जनता पार्टी के साथ है। तो आम आदमी पार्टी जो मौका मांग रही है मुस्लिम समुदाय से, गुजरात के लोगों से, आप नहीं देने वाले उन्हें? जो देखो खरीदे हुए 5 जने खड़े खड़े रख ले तो उसको लेके कर ले, बाकी मुस्लिम समाज भगवती पर का आज भी नहीं जाता है, कल भी नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। आदमी आम आदमी पार्टी के साथ जाने की बात ही नहीं होती। विकास हुआ है, हमारा विकास हुआ है ना, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी, विकास हुआ है। हाँ। अच्छा आपने विकास की बात करी तो थोड़ा बताएंगे विकास आप लोगों के बारे में क्या क्या भाजपा पार्टी ने जो किया है? देखो घर डीट, नल कनेक्शन, रोड कनेक्शन, ड्रेनेज, कोई भी कीचड़ हो कुछ भी हो, साफ सफाई, कचरा से लेके झाड़ू वाला तक नहीं आता है तो उसको फोन करो तो वो पहले आता है। कोई भी कंप्लेन हो तुमको 2 दिन के अंदर सब साफ सफाई मिल जाती है। वो बाद में यूं नहीं कहती कि मुसलमान का फोन आया कि हिंदू का फोन आया है, वापिस ऑनलाइन सब कर दिया है। वो एक दूसरे के चेहरे पे देख के नहीं, एक के दूसरे की भलामण पे नहीं होता है। तुम डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट काम करो, डायरेक्ट काम। हाँ तो राजकोट के जो मुस्लिम है वो भाजपा में ही अपना भविष्य जो है वो देखते हैं? हाँ वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भविष्य देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा कांग्रेस पार्टी कैसी लगती है आपको? नहीं वो बात ही नहीं करने की, वो कांग्रेस पार्टी थी एक टाइम पे इंदिरा के समय, अभी वो चेहरे ही नहीं, वो काम करने वाले नहीं। यहाँ पहले से ही गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, रहेगी और रहेगी, रहेगी। हाँ रहेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं तो कहते हैं गरीबों का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, क्या लगता है? वहाँ यूपी में मिलता होगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हाँ। वो यूपी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो सर? पहले खुद की पार्टी को तो जोड़ ले। हाँ। बाद में दूसरे को जोड़े। हाँ। भारत जो भारत टूटा हुआ है, नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, तो हिंदू मुस्लिम में जो है बांट दिया है पूरे लोगों को, भारत को बांट दिया है। हम लोग गुजरात वाले भाई लोग से रहते हैं जी, उसकी राजनीति में हम नहीं समझते, हमारे तो यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, हम सबके साथ पार्टी के आपसे। अच्छा अंकल आप बताइए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं भारत तोड़ दिया है बीजेपी ने, नफरत फैला दी है, हिंदू मुस्लिम की जो है नफरत वो बढ़ा दी है, क्या लगता है? वो तो इलेक्शन में सब हर एक की साइड से बोलेंगे। हाँ कि हम यहाँ सेफ है। हाँ पूरी तरह। हाँ तो जो गुजरात में जो भाजपा है, भाजपा के सिवा कोई कोई राज नहीं कर सकता, कोई राज नहीं कर सकता। नहीं वो भाजपा है तो कभी दंगा ही नहीं हुआ है गुजरात में, छेले 30 साल से कभी हमने ऐसा सोचा नहीं कि यहाँ कर्फ्यू लगा है। हाँ। तो जब भाजपा नहीं थी तब कांग्रेस में हर दिन अहमदाबाद में, बड़ोड़ा में, हर जगह पे कर्फ्यू रहता था, 8 दिन रहता था, 10 दिन रहता था। हाँ। 3-3 महीने तक रहता था, लेकिन हाँ। अभी भाजपा सरकार आई से तब से कभी कर्फ्यू नहीं हुआ है, कर्फ्यू नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा तो ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या ये सब चुनाव के लिए कर रहे हैं या कुछ और रीजन है? ये चुनाव के लिए ही कर रहे हैं, और क्या है, बाकी यहाँ तो भाजपा ही है। तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी जो कहते हैं हम तो टक्कर देंगे इस बार 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन है? अच्छा उसकी सोच होगी तो वो उसको तो सपना देखते होंगे। हाँ। वो बन सकते हैं। हाँ। हर जगह पे, लेकिन पूरे इंडिया में विकास हुआ है। हाँ। विकास हो रहा है। हाँ। और यही भाजपा ही रहेगी, कांग्रेस का चांस बहुत कम है, कांग्रेस का चांस कम है, कम है। हाँ। बहुत दूरी है। हाँ। पहले कांग्रेस और थी और अब कांग्रेस हो रही, तो मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं भाजपा सरकार में? पूरा पूरा महसूस करते हैं, पूरा महसूस, पूरा महसूस करते हैं भाजपा सरकार में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी भाई साहब। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कुछ असर देखने को मिलेगा भाजपा सरकार पर उसका? नहीं मिलेगा, राहुल गांधी का कोई असर नहीं मिलेगा, यहाँ तो बीजेपी चलेगी और बीजेपी ही आएगी, भाजपा आएगी। कहते भारत तोड़ दिया है, कुछ नहीं तोड़ा, भारत को जोड़ दिया है अभी बीजेपी ने। हाँ। तोड़ा नहीं है।
सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है बीजेपी। हाँ। और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कहते नफरत बड़ी फैला दी है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ तो कोई ऐसी नफरत फैला दी सा लग नहीं रहा हमको। हाँ। सब साथ मिलकर रह रहे हैं, खुश है। मतलब गुजरात के जो मुसलमान है भाजपा से खुश है, बहुत खुश है भाजपा के। पूरे सेफ्टी में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं मुस्लिमों को इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है भाई साहब कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई देता है भारत जोड़ो यात्रा पर है राहुल गांधी? ना कुछ उसमें भविष्य नहीं है। हाँ। कुछ भविष्य नहीं राहुल गांधी में। हाँ। खुद का भविष्य नहीं सोच सकता वो, कुछ दूसरों का क्या सोचेगा। अच्छा आपको लगता है भारत टूटा हुआ है, जिस तरीके की बात राहुल गांधी करते हैं कि बीजेपी जो है नफरत की खेती करती है हिंदुस्तान के अंदर, नफरत इतनी बढ़ा दी है कि लोग नफरत करते हैं हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से? कुछ 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 नहीं, काली पीली बातें करते लोग, कुछ नहीं है। पूरा समाज हमारा खुश है। हाँ। गुजरात तो पूरी तरह सुरक्षित है। तो मतलब मुस्लिम समाज जो है पूरा समर्थन भाजपा को कर रहा है इस बार राजकोट का, जो गुजरात का मुस्लिम समुदाय है? पूरा गुजरात का मुस्लिम भाजपा के साथ है। पूरा गुजरात, पूरा गुजरात, गुजरात का। कितनी सीटों से जीतने वाली है भाजपा? 150। चलिए इनसे बात करेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम लाला है। लाला दुकान करते हैं यहाँ? मेरी खुद की दुकान है। हाँ। तो खुश रहते हैं भाजपा सरकार में? पहले खुश थे, अभी खुश है, और भाजपा सरकार रहेगी आगे भी खुश रहेंगे, हम उसके साथ ही है। हाँ। भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा? ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। केजरीवाल जी को मौका मांग रहे हैं गुजरात के लोगों से, कह रहे मौका दे दीजिए परिवर्तन लाएंगे। वो सिर्फ बात करने की बात है, परिवर्तन वो खुद अपना नहीं कर सकता तो दूसरे का कहाँ करेगा। हम दिल्ली भी जा चुके हैं, हर जगह घूमे हुए हैं। वहाँ वो बोलता है कि दिल्ली में वो कर रहे हो, वहाँ की पब्लिक को पूछते हैं तो वो तो बोलते हैं कि हमको कुछ मुक्त नहीं मिलता है, सब बातें हैं। हाँ। सब बातें हैं। हाँ। वहाँ की पब्लिक को भी नहीं मिलेगी तो यहाँ गुजरात में क्या वो देगा? हाँ। कह रहे हैं सब कुछ फ्री देंगे हम तो, पानी बिजली राशन सब कुछ फ्री कर देंगे। दिल्ली में भी नहीं दे रहा ना। हाँ। दिल्ली में भी नहीं दे रहा, वो भाई साहब ने कैसे बोला? हाँ जी बताइए। वो भाई साहब ने बताया ना कि कोई भी 5 आदमी खरीदे हुए खड़े कर दे तो वो केजरीवाल की वाह वाह करेगा, मगर यहाँ तो पहले से भाजपा था, भाजपा रहेगा और आगे भी भाजपा रहेगा, भाजपा के साथ ही हम सब। अच्छा केजरीवाल जी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ गुजरात का? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। बहुत बढ़िया विकास है, क्या विकास नहीं हुआ? सब कुछ है यहाँ गुजरात में, अमन है, शांति है, भाईचारे से रहते हैं सब लोग हिंदू मुस्लिम। बेरोजगारी है, रोजगार हम आएंगे तो रोजगार देंगे, खत्म कर देंगे बेरोजगारी, विकास करेंगे। बेरोजगारी है ही नहीं गुजरात में, बेरोजगारी है ही नहीं, और मगर जिसको काम करना ही नहीं है वो तो रोजगारी होगी तो भी नहीं करेगा। हाँ। बेरोजगारी है ही नहीं गुजरात में, बेरोजगारी नहीं है, नहीं है। पूरा समर्थन जो है भाजपा को देंगे, आपको ही देंगे। हाँ। चलिए नाम क्या भाई साहब? गौरव। गौरव किसको समर्थन दे रहे हैं चुनाव में? बीजेपी को, भाजपा को, भाजपा को, क्योंकि विकास का काम बहुत हुआ है यहाँ पे। हाँ। राम वंग से लेकर राम मंदिर का सभी जगह विकास हुआ है, राजकोट में राम वंग, वहाँ पे राम मंदिर। हाँ। सभी जगह का राम मंदिर जो बनाया इसलिए समर्थन कर रहे हैं भाजपा, विकास किया इसलिए समर्थन, विकास के लिए से, विकास से लेकर राम मंदिर का सभी तरह से। हाँ, केजरीवाल कहने विकास नहीं करती भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है। किसमें भ्रष्टाचार है केजरीवाल जी? हाँ। सब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं, सब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं। चलिए ठीक है। नाम क्या है अंकल जी आपका? मोहम्मद भाई। हैं? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? बीजेपी की, भाजपा की। क्यों? उसको विकास अच्छा है। हाँ। काम अच्छा है उसका। क्या काम अच्छे लगे आपको भाजपा सरकार के, जरा बताइए? यहाँ के रोड रस्ते, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सब सुविधा अच्छी है, और सरकार काम भी अच्छा कर रही है, सब काम अच्छा कर रही है। केजरीवाल कहते हैं मुस्लिम जो लोग हैं वो नाराज रहते हैं भाजपा सरकार से, आप नाराज हैं? नाराज नहीं है। हाँ, खुश है। मतलब काम अच्छे लगते हैं भाजपा सरकार के? आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही गुजरात के लोगों से, क्या लगता है देंगे मौका? अभी तो मौका मांग रहे हैं, लेकिन अभी तो उसको मिलेगा नहीं मौका। हाँ। बीजेपी को ही मिलेगा, भाजपा सरकार को ही मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि सरकार बनाएंगे? कांग्रेस का तो कुछ काम ही नहीं है इसमें। हाँ। वो नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। चलिए ठीक है। देखिए मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमने बात की, राजकोट विधानसभा में हम मौजूद हैं, लगातार आपको चुनावी सर्वे हम दिखा रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय नाराज रहते हैं भाजपा से, लेकिन हमने बात की तो कहते हैं भाजपा सरकार विकास करती है और हिंदू मुस्लिम से इनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के नतीजे क्या कहेंगे वो तो वक्त बताएगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़पेपर के साथ। मैं दीपक शर्मा, जय हिंद।